जो लड़कियां हैं वो शादी तब ही कर पाएंगी जब उनकी आयु 21 वर्ष हो जाए। 22 में लड़कियों की जो शादी करने की आयु है उसको 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया है। अगर दोनों में से लड़का और लड़की दोनों में से कोई एक भी अगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो सिर्फ वही लोग दिल्ली के अंदर भी कुछ साल पहले एक ही दिन के अंदर आपकी आर्यसमाज मंदिर में शादी होती थी। जो आने वाला जो साल है क्या 2022 में कोर्ट मैरिज के क्या कुछ नियम बदलने वाले हैं? नमस्कार दोस्तों, विशाल शर्मा कोर्ट मैरिज ऑफिस में आज आप सभी लोगों का फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम लोग बात करेंगे कि क्या 2022 में जो आने वाला जो साल है क्या 2022 में कोर्ट मैरिज के क्या कुछ नियम बदलने वाले हैं और क्या नियम बदल सकते हैं। तो आइए दोस्तों अपनी बात को स्टार्ट करते हुए आपको ये जानकारी आज मैं देना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, जैसा कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आप सभी लोगों को ये मालूम है कि दिल्ली के अंदर जो शादी होती है और उसका रजिस्ट्रेशन जो होता है उसके अंदर 3 दिन का समय लग जाता है। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा से ही ऐसा था कि उसमें 3 दिन का समय लगता है। पहले दिल्ली के अंदर भी कुछ साल पहले एक ही दिन के अंदर आपकी आर्यसमाज मंदिर में शादी होती थी और उसके बाद में उसी दिन आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन जज साहब के सामने करवा दिया जाता था। लेकिन वो पहले एक दिन में हो जाता था, उसके बाद में उसको 2 दिन में कर दिया गया, लेकिन अब कुछ वर्षों से उसमें 3 दिन का समय लगता है। और इसी प्रकार से गाजियाबाद के अंदर भी, जैसा कि काफी सारे जो हमारे पुराने दर्शक हैं और काफी समय से जो कोर्ट मैरिज ऑफिस के साथ जुड़े हुए हैं उनको अच्छे तरीके से मालूम होगा कि कुछ वर्ष पहले गाजियाबाद के अंदर भी यह नियम आ गया था कि अगर दोनों में से लड़का और लड़की दोनों में से कोई एक भी अगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो सिर्फ वही लोग गाजियाबाद के अंदर आकर अपनी शादी कर सकते हैं और उसका रजिस्ट्रेशन मैरिज का करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये नियम जो है ये सरकार और जो है जो उच्च अधिकारी हैं उनके द्वारा इनमें बदलाव लाया जाता है और उनके ही निर्णय से ये डिसीजन जो होते हैं, जो नियम है वो बनाए जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले साल में जो सन 2022 जो आने वाला है उसमें शायद जो आपकी कोर्ट मैरिज के जो नियम है उसके अंदर कुछ बदलाव आ सकता है। ऐसा नहीं है कि बदलाव आएगा ही आएगा या कुछ नियम में चेंजेस होंगे, लेकिन हो सकता है कि उच्च अधिकारी और सरकार द्वारा कोर्ट मैरिज के नियमों में बदलाव लाया जा सके। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि भारत सरकार लड़कियों की जो शादी करने की जो आयु है उसको भी 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष के ऊपर विचार कर रही है। तो ऐसा संभव है कि सन 2022 में लड़कियों की जो शादी करने की आयु है उसको 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किया जा सकता है। तो अभी इस साल, जैसा कि अभी सन 2021 जो चल रहा है उसमें अभी कुछ समय है और जो लोग बालिग हो चुके हैं, जैसा कि अभी तक जो लड़कियों की जो शादी करने की आयु है वो अभी 18 वर्ष ही है और जो लड़कों की, जो बॉयज की जो शादी करने की आयु है वो अभी 21 वर्ष ही है। कम से कम इतनी आयु जरूर होनी चाहिए। लेकिन अगर भारत सरकार के किसी भी निर्देशानुसार अगर लड़कियों की शादी करने की आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर अगर 21 वर्ष अगर किया जाता है तो दोस्तों फिर यह नियम सबके ऊपर लागू होगा और जो लड़कियां हैं वो शादी तभी कर पाएंगी जब उनकी आयु 21 वर्ष हो जाएगी। तो ऐसा हो सकता है कि सन 2022 में भारत सरकार द्वारा लड़कियों की शादी करने की जो आयु है उसको 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किया जा सकता है। तो काफी सारे बदलाव, ऐसा मानना है कि कोर्ट मैरिज के जो प्रक्रिया है, जो नियम है उसके अंदर सन 2022 में हो सकते हैं। तो अभी आप लोगों के पास में समय है, जो लोग, जो कपल्स बालिग हो चुके हैं और अपनी शादी का जिन्होंने निर्णय ले लिया है, अपनी शादी करना चाहते हैं, अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, अपनी लव मैरिज करना चाहते हैं या आर्य समाज मंदिर में शादी करने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन अगर कराना चाहते हैं, तो अभी जैसा कि सन 2021 जो चल रहा है उसके अंदर आप लोग अपनी शादी करके आप अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन आप लोग करवा सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों एक बार मैं पुनः मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली के अंदर आर्य समाज मंदिर में शादी करके अगर आप उसका रजिस्ट्रेशन आप करवाते हैं तो उसमें 3 दिन का समय लगता है। पहले दिन आर्य समाज मंदिर में शादी होती है और उससे नेक्स्ट डे आपकी जो फाइल है वो जज साहब के सामने लॉगिन होती है
और तीसरे दिन थर्ड डे आपकी जज साहब के सामने बयान होते हैं लड़का और लड़की दोनों के, और दोनों गवाहों की स्टेटमेंट होती है, और उसी दिन आपको जो है तीसरे दिन आपकी मैरिज का सर्टिफिकेट दिल्ली के अंदर मिल जाता है। और दिल्ली के अंदर पूरे हिंदुस्तान से, पूरे भारत वर्ष से कहीं से भी लोग आके अपनी शादी कर सकते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसी प्रकार से मैं एक बार आपको गाजियाबाद के बारे में भी बता देता हूं। गाजियाबाद के अंदर भी पूरे भारत वर्ष से, चाहे वो कपल्स किसी भी राज्य से क्यों ना हो, चाहे वो उत्तराखंड से या उत्तर प्रदेश से या पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, कहीं से भी पूरे भारतवर्ष से आकर गाजियाबाद के अंदर लड़का और लड़की अपनी शादी कर सकते हैं। एक ही दिन के अंदर अपनी शादी करके उसका रजिस्ट्रेशन वो मैरिज रजिस्ट्रार साहब के सामने करवा सकते हैं। अब चाहे आप दिल्ली से आप अपनी शादी करें या आप अपनी अगर गाजियाबाद से शादी करते हैं, दोनों ही मैरिज सर्टिफिकेट आप लोग ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लोग कहां से करना चाहते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है दोस्तों, इसके अंदर मैंने आपको इसके बारे में जानकारी देना उचित समझा। ऐसा हो सकता है कि सन 2022 में कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, कोर्ट मैरिज से संबंधित और अगर आप कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं या कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया के बारे में करने की जानकारी अगर कुछ लेना चाहते हैं, तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप मेरे इस मोबाइल नंबर पर कॉल करके आप मुझसे वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है दोस्तों कि जब भी आप कॉल करें तो कॉल करने से पहले आप लोग समय अवश्य देखिए, सुबह 10 बजे से लेकर और शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। और यदि आपके कुछ ऐसे सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी, जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप लोग अपने सवाल आप जरूर लिखिए, मेरे या मेरे स्टाफ के द्वारा आप लोगों को आपके प्रश्नों के उत्तर जरूर दिए जाएंगे। तो इसी प्रकार से दोस्तों, कोर्ट मैरिज ऑफिस के साथ आप लोग बने रहिए, आप लोग जुड़े रहिए और निरंतर हम लोग आप लोगों के प्रश्नों के ऊपर वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ में हम लोग शेयर करते रहेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।